देख चुकी हूँ। हाँ, क्या आपको नोबिता ने नहीं बताया कि कल हमें सारे टेस्ट पेपर्स मिल गए थे? मुझे पूरा यकीन है कि उसने पेपर यही कहीं छुपाया है। अब क्या करो? अरे ये तो रिसीट है। किस चीज की रिसीट है ये? ये तो बहुत महंगा है, इतने सारे पैसे पर किस लिए? कैसे पता लगाऊं? मैं पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे इसे किसी और जगह छुपाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जरा इसे पकड़ो। मैं अभी आया। अरे नोबिता रुको। डोरेमोन, तुमने नोबिता को देखा है? वो अभी बॉक्स लेकर निकल गया। बॉक्स? तो काफी जल्दी में लग रहा था वो। मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। अरे मॉम! अगर आप इसे दोबारा पहनेंगी तो पहली जैसी हो जाएंगी मॉम। रुक जाओ। क्या? आज पूरे दिन मैं ऐसे ही रहूंगी। ये तो काफी अच्छा है। बाहर जाने के लिए तैयार? ओके डोरेमोन, मैं जा रही हूँ। क्या करो क्या करो? पैसे कहाँ छुपाओ कहाँ छुपाओ कहाँ छुपाओ? ए नोबिता, बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम तुम्हें प्रेजेंट देना चाहते हैं। हा? मुझे? वो क्यों? मैं इस बॉक्स को पकड़ता हूँ, तुम बस इसे खोलो। वो यहाँ है, शायद वो पेपर इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, सुनो ये बॉक्स मुझे दे दो। कौन है? मैं तो डर ही गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? मैं वो तुम्हारी मैं नोबिता की बहन हूँ मैं। हम दोनों बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, है ना? सच में? क्या नाम है तुम्हारा? टमाको। अरे ये मेरी आंटी का नाम है, मेरा नाम टमाई है। तुम टमाई हो, लेकिन तुम मेरी मॉम जैसे क्यों दिख रही हो? सचमुच नोबिता, तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं उन्हीं की तरह दिखती हूँ। खूबसूरत? वो मछली की तरह शांत है। क्या कहा? लेकिन खतरनाक भी। पर मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ओ तुम्हारा मतलब तुम्हारी मॉम? मैं तो खामखा गुस्सा हो रही थी। अरे हाँ, मेरा बॉक्स। बॉक्स? अरे सुनिए, मेरा बॉक्स कहाँ है? अरे वो तो मैंने तुम्हारे घर भेज दिया। हाँ? ये तुमने क्या किया? मैं तो नोबिता की बहन जमाई हूँ। सुनो डोरेमोन, मेरा बॉक्स कहाँ है? मतलब जो सोनिया देकर गया था, ये वाला? हाँ हाँ यही वाला। पर मॉम ने इसे देखा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, वो अभी तक बाहर ही है। मैं बच गया। वैसे नोबिता, इस बॉक्स में क्या है बताओ ना? ये एक राज है। अब मैं इसे कहाँ छुपाऊँ? मैं नहीं चाहता कि मॉम को इसके बारे में पता चले। अच्छा अच्छा, तमाए तुम इसे छिपाने की जगह बताओ ना, जहाँ मॉम इसे देख ना पाए। अरे नोबिता, तुम इसके बारे में खुद क्यों नहीं सोच लेते हो? मुझे करने में खुशी होगी। ये कैसा रहेगा? फ्रीजर में मॉम को पता नहीं चलेगा। अरे लेकिन नोबिता, मॉम ये चेक नहीं कर सकती है। अलमारी के नीचे ये बॉक्स छुपाना ठीक नहीं है, किचन में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया। ये कैसा रहेगा? नहीं नहीं, दुनिया भर की मॉम अलमारियाँ और सारे ड्रॉर्स खोलती और बंद करती हैं। ये बात है, तो फिर मैं इसे कहाँ छुपाऊँ? ठीक है, वैसे इस कमरे में सिर्फ एक ही जगह है, एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो वो ऊंची जगह जहाँ हम सीढ़ी लगाकर पहुँच सकते हैं।
हाँ समझ गया, वो स्टोरेज वाली जगह। हाँ ठीक है, मैं इसे वहीं छुपाता हूँ। डोरेमोन प्लीज सीढ़ी लेकर आओ ना। अरे हाँ हाँ, मैं नहीं जानता अब क्या होने वाला है। अभी बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? क्या ये तो किसी की सीक्रेट रिबन लगती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने यहाँ पहले ही कुछ छुपा रखा है। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, इसे घर पर छुपाना खतरनाक है। मैं इसे शिजुका के पास छुपाता हूँ। रुक जाओ, मुझे दे दो। रुको, मैं भी आ रही हूँ, मेरे लिए रुको। मरे नहीं। आइए आइए, यहाँ सेल लगी है। मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी चीज है इसके अंदर, है ना? हाँ है तो सही। हो? अरे वाह, नई गोरी गोरी कॉमिक, प्लीज इसे पकड़ो ना। यही अच्छा मौका है। सेल का टाइम शुरू हुआ, हम सभी चीजों को आधे दामों पर देते हैं। आधे दाम में? इस दुकान से आप ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर्स खरीद सकते हैं। जल्दी नहीं जाकर आती हूँ और इनमें से बहुत कुछ खरीदती हूँ। अब मुझे तो ये बोल। थैंक यू। चलो चलो, शिजुका का घर इसी रास्ते में है। काफी अच्छा मौका था। तमाए, फिर से इसे एक बार पकड़ो ना। मौका मिल गया। सुनिए, अब ठीक तो है ना? मैं ब्लॉक नंबर 2 मिस फुकुडा के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। मैं उनका घर जानता हूँ, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? ओ सचमुच? हाँ, मुझे अपना सामान दीजिए। ओ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। नोबिता, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर बुरा ना माने तो ये गुलाब जामुन लीजिए। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट दिख रहा है। ये क्या कर रहे हो? खाने से पहले इन्हें शुक्रिया तो कहो। आपका बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। हाँ? अरे नहीं, मैं तो शिजुका घर पर नहीं है। तो फिर हमें घर वापस जाना चाहिए। नहीं, एक जगह और है, हम वहाँ चलेंगे। वहाँ? वो मेरी सीक्रेट जगह है। क्या तुम भी चलोगी? क्या मैं आ सकती हूँ? आओ मेरे साथ। ये मेरा खजाना है, तुम देख सकती हो। अच्छा, अरे वाह, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। सच कहो तो, क्या मैं देख सकती हूँ? मैं इस बॉक्स को सबसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हें बता ही सकता हूँ ना तमाय। नोबिता, नोबिता, मैं इसे न्यू लाइफ जीने मुझे, न्यू लाइफ जीने मुझे, न्यू लाइफ मेरी जिंदगी का है उसूल। जीने मुझे देख कब खुद में ये न्यू लाइफ जीने मुझे, न्यू लाइफ जीने मुझे, न्यू लाइफ जिंदगी का मेरा अपना उसूल। मुझे जीनी देख अब जाना, देख एक न्यू लाइफ। अब गाने भी बनाऊंगा, देख मैं तो अब गाने भी बनाऊंगा, एक कलाकार मैं भी अब कहलाऊंगा। धीरे धीरे देख जिंदगी को अपनी हसीन न बनाऊंगा। एक नई जिंदगी, नए नए होंगे लोग और नई जिंदगी। अब नई दिखनी थे यहाँ पे, नया हो सब कुछ, क्योंकि ये है मेरी नई जिंदगी। न्यू लाइफ चाहिए मुझे, न्यू लाइफ चाहिए मुझे, न्यू लाइफ।
अब देखो अब जिंदगी की बात आई तुम्हें मैं बताऊं, देखो जिंदगी के जीने के तरीके होते काफी ज्यादा, पर उसमें से करना तुम सही वाला चूज, होना ना कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे देख उड़ जाता रोज, यहाँ पे भेजे का है फ्यूज, धीरे धीरे यहाँ पे देख चल अब सही रास्ते पे, वहाँ पे देख तेरे भाई तेरे खास सारे साथ होंगे, तेरे साथ होंगे, तेरे को देख मोटिवेट करेंगे, गाइस तू आगे आगे बढ़ भाई, आगे आगे चल, ऐसी देख जिंदगी में मिलेगी वो न्यू लाइफ, चाहिए मुझे न्यू लाइफ, चाहिए मुझे न्यू लाइफ, चाहिए मुझे न्यू लाइफ, या न्यू लाइफ, नई जिंदगी मेरी न्यू लाइफ, ये है मेरी बंदगी, ये है न्यू लाइफ, मेरी नई जिंदगी, ये है न्यू लाइफ, न्यू जिंदगी की काफी है पर माने देख जमाने को छोड़, अब खुद तू आजमा ले जिंदगी को कैसे देख, कब दांव पेंच खेल मेरे साथ, मेरे भाई जो भी होते सारे फेल, उनको आगे बढ़ाने को कह, जिले अब तू न्यू लाइफ, बेटा जिंदगी ये तेरी जिले न्यू लाइफ, बेटा जिंदगी ये तेरी जिले न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ।